सो हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया ना भाई, मैं भी एक नंबर फर्स्ट क्लास हूँ। और भाई ऑफ कोर्स ब्लॉग की सीरीज थोड़ी लेट आती है, लैपटॉप ना पूरा खराब हो चुका है। आज जाके मैं फॉर्म मारने वाला हूँ और फॉर्म मारूंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूँ, क्योंकि 1/25 और 1 जनवरी का जो प्लान बनने वाला है 4 दिन का पहाड़ों का, बहुत बढ़िया बनने वाला। 7-8 दोस्त मिलकर जाने वाले किसी लॉन्ग ट्रिप पर, तो नीचे रेड बटन आगे वाले कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को जाकर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मेरे लेटेस्ट अपडेट वही देखने को मिलता है। बढ़िया बढ़िया रील और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने अपलोड करा हुआ भाई, जिसने नहीं देखा जाके यार आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो पहले जाओ मेरे इंस्टाग्राम के सेक्शन में, जिसका लिंक मेरा आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले गए मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट करो। जो बढ़िया बढ़िया रील आप लोगों को देखने को लेने पड़ने वाली वो जबरदस्त मिलने वाली है। तो फिलहाल चलते हैं, रेडी हो चुके हैं ऐसी, और चलते हैं। पहले एक छोटे मोटे काम हो ना, चती सभी खाटू शाम गया था तो उसकी गाड़ी का टायर फट गया, उसकी गाड़ी का टायर लेके जाना है। और मुझे अपनी गाड़ी का कुछ मतलब अपनी गाड़ी टच करवानी है, उसकी गाड़ी टच करवानी है, उसकी लाइट का भी देखना है, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए। कहाँ जाना है यार वो तो मुझे भी नहीं पता, बट जा रहे हैं भाई हिमाचल में किसी बेस्ट लोकेशन, अभी वो डिसाइड करते हैं। तो लेट्स गो, उनसे जाके मिलते हैं पहले। सभी हम घर से निकले, देखो मेरे पीछे घर का पास ग्राउंड देख रहे हो भैया, सारे सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे धोनी है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। वैसे देखो यहाँ पहले ठंडा मार्केट हमारे घर के पास, और ये देखो कितने सारे धोनी और कितने सारे सचिन तेंदुलकर यहाँ पे मैच खेलने आए हुए हैं। फिलहाल तो हम पहले जा रहे हैं रोड तक, वहाँ पर आने वाला सतीश को गाड़ी पिक करने का, पहले चलते हैं, थोड़ा दूर ही है। पर देखो भाई यार बस हमारे भी जैसे दिन हुआ करते थे, बट अपने जगह भी बैटिंग आती थी हमेशा, बस रनिंग रनिंग रहती थी। इधर हम बैठ गए इसकी गाड़ी में, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, गाड़ी का टायर डलवाने। मैंने बताया था ना आपको एक सीक्रेट ट्रिप हमने प्लान किया दोस्तों का, तो उस ट्रिप के लिए भाई तैयारी चल रही है, मतलब गाड़ी फिट फाइन होनी चाहिए। तो बस चल दिया अभी कहीं ना कहीं की तरफ, अब सतीश है भी ड्राइवर हो गया, सतीश पानी में भी कूदा देगा पैस नदी में। मैं घर आ चुका था, और फिलहाल हम यहाँ देख रहे थे वेब सीरीज, और देखो मैंने अपने लैपटॉप में डाल लिया विंडो, और ये भी अपने लैपटॉप विंडो डाल रहा है, पर पता नहीं कब तक डलेगी है ना। और मेरे लैपटॉप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पिछले 1 घंटे 25 मिनट वीडियो डाली है, और 1 घंटे से स्टार्ट हो रहा है ऐसा। तो ये इस तरह के घटिया लैपटॉप है, और पहली बार मैंने विंडो डाली है, जबकि 20 GB रैम और 4 GB ग्राफिक कार्ड है। इतना अपडेटेड लैपटॉप लेने के बाद इतनी दिक्कत आ रही जिंदगी में, क्या होगा भाई मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ स्टार्ट होगा। इतना टाइम तो जिंदगी ने लिया स्टार्ट होने में, इतना टाइम तो लैपटॉप ले रहा भाई साहब, क्या चलेगी भाई जिंदगी, भाई तेरी जिंदगी भी खराब मेरी भी खराब, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। चलो हम वेब सीरीज देखते हैं। देखो विंडो डालने खुशी में मैंने मिठाई मंगा दी है मोनू के लिए और अपने लिए, भाई मिठाई खा लेते हैं क्योंकि बजे। पर देखो विंडो डल गई है, 25 मिनट विंडो डली है और 3 घंटे से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो जाए किसमें SSD डली हुई है भाई साहब। मैं भाई अब तो एप्पल लूंगा, एक एप्पल ये, एक एप्पल जिंदगी में और एक हो रहा। नेक्स्ट डे हम नहीं है हमारे नोएडा का इस्कॉन, सो पहले जोड़ लेते हैं हाथ। हेलो, सो जय श्री कृष्ण गाइस, कैसे हो आप सब? सो हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप सब? सुबह से हो गए भगवान जी के दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं कहाँ, देखो शीशे थोड़े से ना गंदे हैं, एक्चुअली मैंने गाड़ी देती ना तो एक्चुअली ये जो दाग दिख रहे हैं ना आपको चीज क्या है, ऐसा गाड़ी अपनी साफ है, सुबह सुबह की गाड़ी हमने जरूर साफ की थी 6 बजे। और भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और चल रहा है दिसंबर, प्रमोद का है बर्थडे मंथ, तो जब आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स मेरा बर्थडे निकल चुका होगा, बट ठीक है। और ये साल अब होने जा रहा है खत्म, इस साल बहुत सारी चीजें लाइफ में अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें बुरी हुई, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ को एंजॉय किया। 2023 मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, और आप लोगों की ब्लेसिंग से बहुत बढ़िया रहा। अब 2024 कैसे रहता है कैसा नहीं वो देखेंगे, कोशिश है कि 2024 भी अच्छा रहे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो बाकी भगवान की मर्जी, भगवान की करते हैं। और फिलहाल चलते हैं अपन ऑफिस, पहले यार फ्यूल रिफिल करा लेते हैं, हमेशा साला गाड़ी जब भी पकड़ो साला फ्यूल ही नहीं होता गाड़ी में, पता नहीं क्या है, तो फ्यूल रिफिल करा लेते हैं ऑफिस में, पेट्रोल भी रिमर्जन कराना है तो उसकी पर्ची लेनी है आज, तो लेट्स गो गाइस। अभी मैं ऑफिस के लिए तो निकल रहा हूँ, बट हाँ दिसंबर में हमारे बहुत सारे प्लान होने वाले हैं। अभी अभी हमारा दोस्तों का एक ग्रुप है जो कि हम हिमाचल जाने वाले हैं घूमने के लिए, अपना नाम कितना प्यारा लग रहा है ना पीछे, बस इसी चीज़ से प्यार है और आप लोगों से भी यही मोहब्बत है। बस जो भी चैनल पर नए पहले चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि
एक बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाला है। अपन लोग बर्फ में जाने वाले हैं अटल टनल के आसपास, सारे दोस्त मिलके, मेरी कार और सतीश की कार। पर लेट्स सी कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पैसा लगेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो लेट्स गो। हमारा प्लान है ना, तो हम सारे दोस्त मिलकर जाने वाले हैं हिमाचल में। हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया जगह पर जाने वाले हैं। और उसके लिए ना गाइस, सर आप लोगों को ना मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो वो ब्लॉग और वीडियो देखने को कैसे मिलने वाली है। बेल आइकन पे जाके पहले दबा लो मेरे सब्सक्राइब बटन को। और हाँ, बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। कोशिश आजकल थोड़ी आप लोगों को लग रहा होगा मेरी वीडियो अजीब अजीब से आ रही है, सही से कंटेंट यार नहीं आ रहा यार, क्योंकि ना मैं एक किसी जरूरी काम में बिजी हूँ बहुत ज्यादा, और ऊपर से यू नो लैपटॉप भी खराब हो गया, अभी थोड़ा सा टाइम की दिक्कत चल रही है। बट ठीक है, जल्दी मैं अपनी लाइफ की सारी चीजें सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, सारी चीजें। तो लेट्स गो, पहले प्लान से पेट्रोल। पहले ना हमने सोचा क्यों ना यार हवा भी चेक कर ले यार, शीशा थोड़ा गंदा हो गया। मैंने एक्चुअली गीले कपड़ा तो मारा था, बट इसमें ढंग से साफ नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाया। कोई नहीं, ऑफिस जाके शाम को कर लूँगा। और भाई पहले हम गाड़ी में हवा भी चेक कर रहे हैं, और आज शाम को ना मुझे कहीं निकलना भी, तो मैं ऑफिस से निकल जाऊँगा। एक शादी में जाना है देहरादून, तो शादी में मैं यहीं से निकल जाऊँगा देहरादून। और वैसे ही अपना घर भी वहीं पर है, तो शादी निपटा के वहीं रख के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके आएंगे अच्छे तरीके से मसूरी में। तो भाई ये देखो, पहले हवा चेक कर लेते हैं, जरूरी है। पेट्रोल मैंने भी आधा भराया, क्योंकि ना उत्तराखंड में पेट्रोल बहुत सस्ता है, वहाँ पे है 95 और यहाँ है 97 रुपीज। तो 2 रुपए का अंतर है, 2 रुपए जहाँ पैसे बच्चे वहाँ बचा लेना चाहिए ना। और कितना मस्त दिन है आज का। और गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन घूमने में इंटरेस्टेड है तो यार प्लीज मेरे साथ ना कोलैब कर सकते हैं। जैसे कि मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, तो एज यू नो एवरीवन आई थिंक जो अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं ना बला बला पे अपनी राइड पब्लिश करता हूँ, और वहां से ना मुझे को पैसेंजर मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, मेरे पेट्रोल का ना थोड़े से पैसे कॉन्ट्री आते हैं, जो कि ऐसा ही भी है, मैं अकेला क्यों जाऊँ जब मेरे पास 3 बंदों का स्पेस है। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है ना, कोई पर्सन मेरे कोई भी, तो यार हम घूमने जा सकते हैं, बढ़िया ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और हाँ उस पैसे को कॉन्ट्री कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए और आपके दोनों के लिए बेनिफिट। आपको गाड़ी और कन्वेंस मिल जाएगा, मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी, मेरे पूल हो जाएगी कार की। तो यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और फाइनली अपन पहुंच गए ऑफिस के पास। यार ऑफिस से मैं कैब तो बोला था साला, आज तो कैब दी नहीं था ऑफिस वालों ने, बड़े बदतमीज किस्म के इंसान है ऑफिस वाले। तो गाइस ये लो भैया, देखो हमारी चेकिंग करेंगे पहले, पीछे गाड़ी में बम बम तो नहीं है। ये लो, और कोई बम नहीं है हमारी गाड़ी में। तो फिलहाल अपन लोग जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने। आज मैं आया दूसरे ऑफिस में, ये ऑफिस अपने को पास पड़ता है कहीं के मुकाबले। तो चलो यार पहले गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, थोड़ा शीशा साफ कर दी, इसको ना मैनुअली साफ करना पड़ेगा, और मैं शाम करूँ, क्योंकि अब तो हम ऑफिस पहुँच चुके हैं, है ना। और गाड़ी लगाते हैं पहले पार्किंग में, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो पहुँच चुके हैं फाइनली हम अपने ससुराल, और ससुराल पहुँचते ये देखो, ये हमारा ससुराल, आजकल रील वाली देते हैं, ये हमारा ससुराल, और ये हमारा मंगलसूत्र। तो ये मेरा मंगलसूत्र है, और ये मेरे ससुराल की पार्किंग है, और मैं अपने ससुराल पहुँच चुका हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट से अंदर। पहले देखो ये अपना डेस्क, लैपटॉप और बोतल अपन लोगों ने रख दिया, फिलहाल चलते हैं। तो कोई भी नहीं आया, आई एम गाइस कम टू अर्ली, मैं 9 बजे आया था मैं, ताकि टाइम से चला जाऊँ। सो गाइस अभी हम आ चुके अपनी कॉफ़ी लेने के लिए, और सामने है मशीन अपने, पहले तो मशीन चलनी नहीं थी, पहले 2 दिन दे दी, फिर अब 2 दिन लग गई है। और फिलहाल अभी हमारा चल रहा है कॉफ़ी ब्रेक टाइम, तो पहले हम कॉफ़ी पियेंगे फिर जाएंगे अपने कैबिन में। गाइस ये देखो, साथ वाले मेरे सारे चले गए, सिर्फ मैं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है अभी एक शादी में देहरादून। तो अभी 5 बज चुके हैं, बस 15-20 मिनट में मैं भी निकल ही जाऊँगा। बस फिलहाल मैं ऑफिस के बाहर आ चुका हूँ, और ये अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है ऑफिस के बाहर, तो यहीं पे कोई सवारी यहीं पे आने वाली है, 2 बंदे यहीं पे आएंगे मुझे मिलने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ वेट कर रहे हैं उन दोनों का। यमराज डीजे वाला, ये तो एपिक है भाई। पहुंच चुके हैं मिरट, और यहाँ लग रहा था भाई अपने को बहुत तेज बाथरूम, साथ वाले पैसेंजर को बाथरूम लग रहा था, तो फिलहाल सब जगह वॉशरूम करने के लिए उतर गए, और ये अपने साथ वाला भाई है जो पीछे आ रहा है। तो फिलहाल अभी पेट्रोल पंप पे मैंने हवा भी चेक करा ली, और पहले बाथरूम करके आते हैं, बहुत तेज लग रहा था, 2 घंटे में रोक के रखा हुआ था। ये देखो यहाँ पहुँच चुके हम सुबह भारत के बगल में, यहाँ पर भाई मैकडॉनल्ड डोमिनोज भी, और यहाँ गाड़ी में भाई सवारी का बैग और सामान। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी तो लग रही है, पर पता नहीं यार रात तक कितने बजे घर पहुँचने वाला है। ओह सॉरी, ये तो ग्लट टाइम दिखा रहे हैं विराट जी, तो पहुँचेंगे 11 बजे तक।